बात सुनो, उन्होंने मेरे को आशा कर दिया आज दोपहर में। मैंने कहा साहब खोल लिया, ये परेशानी आ गई तो कर पर बहुत जल्द ही सुन रहा हूं। कोई भी अधिकारी है लोगों के यहाँ पर तभी से लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। दो दिन पहले कल भी हमारी मानसिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा नई दुकान ढूंढी जा रही है जब तक ये दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन फिर भी आज ये दुकानदार जो है हथियारों के साथ लेस होकर अपने 100 गुंडों के साथ यहाँ पर आया और उसने दुकान खोल ली। जब यहाँ पर हमारे भाइयों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी गई। सीआई साहब को भी हमने पहले भी सूचना कर दी थी, अभी भी सीआई साहब को पूरी बात के बारे में जानकारी भी थी उनके, फिर भी सीआई साहब इस पर मौन रहे। जब हमारे व्यापारी भाइयों के साथ मारपीट हो गई तब सीआई साहब ने ये दुकान बंद करवाई, वो लोग दुकान बंद करके भाग गए। अभी भी सारे व्यापारियों की, सारी महिलाओं की ये मांग है कि जब तक इस दुकान का सामान यहाँ से खाली नहीं होता, पेटियां नहीं आती है, हम सब लोग यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। ये दुकान यहाँ पर किसी भी कीमत में नहीं खोली जाएगी, चाहे वो कितने ही नॉर्म्स लगाए। नॉर्म्स के हिसाब से वो बता रहे 500 मीटर नहीं है, 500 मीटर नहीं है, 500 मीटर नहीं है, नाम लिया हमने 500 मीटर के अंदर है। अगर वो यहाँ खुली हो, लेकिन यहाँ पर बीच मार्केट में दुकान नहीं खुलेगी। पास में ही गर्ल्स स्कूल है, पास में ही मंदिर है, पास में ही चिकित्सालय है, यहाँ पर दुकान हम किसी भी कीमत में नहीं खोल देंगे। विज्ञान नगर जो है वैसे भी एक दुकान में से सामान नहीं हटेगा तब तक यहाँ धरना पर बैठा जाएगा। इसके हिसाब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं यहाँ से सामान जो है शिफ्ट करा रहा हूँ, जब तक यहाँ से दुकान में से सामान नहीं निकलता है हम लोग धरने पर से नहीं है। आपकारी अधिकारियों से बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, आबकारी अधिकारी से बात हुई है। कल ही हमने उनको ज्ञापन दिया है। अभी अभी किसी से बात हुई? अभी हमारी आबकारी अधिकारी से बात हुई, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब तक वो दुकान नहीं ढूंढ लेता है तब तक दुकान नहीं खोलेगा। दुकान नहीं ढूंढ लेता तब तक दुकान खुलेगा। और हमारे किसी भी व्यापारी के साथ